कैरियर कंपनी का एक्वाफोर्स 30XA एयर कूल चिलर। अब क्या खासियत है इस चिलर के अंदर, आगे चल के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एडवांस सिस्टम्स जो कि किसी भी चिलर को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो इनका ऑटोमेटिक कंट्रोल है उसको बढ़ा देते हैं। उसी के साथ ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, वो अभी आगे चल के मैं आपको धीरे धीरे करके सारे सिस्टम को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस चिलर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है रेफ्रिजरेंट 134A 134A, और ये जो आपका चिलर है ये थोड़ा सा फुली ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको कई ऐसे सिस्टम देखने को मिल जाते हैं जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, सुपर हीटिंग, सब कूलिंग और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करके इस चिलर को एफिशिएंट बनाती है, इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती है। अब वो कैसे है अभी आगे चल के आप देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस चिलर के अंदर आपको प्लेट टाइप का हीट एक्सचेंजर या कह लीजिए इकोनोमाइज़र देखने को मिल जाता है, मफलर नॉर्मल चिलर में भी देखने को मिलता है, ऑयल सेपरेटर है और कई ऐसे सिस्टम हैं जो कि इसको एडवांस बना देते हैं। तो मैंने जैसे बताया ये कैरियर कंपनी की है, और जो इसका एस्टेब्लिश या मैन्युफैक्चरिंग डेट थी मैंने इसमें जो देखा था वो करीबन 2013 की है। अब ये लगाई कब गई थी ये मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है क्योंकि प्लेट में इसकी डेट नहीं देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं एयर कूल चिलर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। तो एयर कूल चिलर की खासियत होती है इनके जो कंडेंसर कॉयल्स होती हैं, इसी के वजह से इसकी जो पहचान होती है एयर कूल चिलर के नाम से होती है, क्योंकि इसमें आपको कॉइल जो है या कंडेंसर जो है वो कॉइल टाइप की देखने को मिल जाती है। आपको पता है इनको ओपन एरिया में लगाया जाता है क्योंकि जो कंडेंसर है वो डायरेक्टली क्या करती है, रेफ्रिजरेंट जो है इसके अंदर वो डायरेक्टली अपनी हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली हर एक चिलर में देखने को मिल जाती है, जैसे कि इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर और आपका एक्सपेंशन वाल्व। उसके बाद आता है जब हम किसी चिलर को और ज़्यादा एडवांस बनाना चाहते हैं या उसको थोड़ा सा और ऑटोमेटिक करना चाहते हैं जो कि नॉर्मल चिलर से और ज़्यादा एफिशिएंट हो और उसका जो कंट्रोल है वो फुली ऑटोमेटिक हो। तो यहाँ पर आपने कंडेंसर देख लिया, उसके बाद आपको एक कॉपर ट्यूब्स देखने को मिल जाती हैं। कंडेंसर में क्या खासियत होती है, जो कंडेंसर की ट्यूब्स होती हैं पहले तो वो जो कंडेंसर में सेपरेट होती है यानी कि अलग अलग होती है, और उसके बाद एक कॉमन लाइन से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा होता है तब वो कहाँ जाता है, लिक्विड लाइन में। इसलिए कंडेंसर का जो लास्ट पॉइंट होता है वो कॉमन लाइन से कनेक्ट हो जाता है और एक काफ़ी मोटी लाइन बन जाती है, जैसे आप ये सामने देख पा रहे हैं। तो ये जो लाइन देख पा रहे हैं ये ऑयल सेपरेटर में जा रही है। आप नीचे देख पा रहे होंगे दो कनेक्शन ऑयल सेपरेटर की तरफ हैं, और ऑयल सेपरेटर का आपको पता है वर्क क्या रहता है। ऑयल सेपरेटर क्या करता है, जो ऑयल है और जो रेफ्रिजरेंट है उसको सेपरेट करता है यानी कि अलग अलग करता है, क्योंकि ऑयल का वापस से कंप्रेसर में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सामने आप ऑयल सेपरेटर देख पा रहे हैं जिसका एक कनेक्शन आपका कंप्रेसर के साथ जुड़ा है और दूसरा कनेक्शन आपका कंडेंसर के साथ जुड़ा होता है। तो जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट जाती है कंडेंसर की तरफ, तो बीच में आपका ऑयल सेपरेटर होता है। तो कंप्रेसर से जो ऑयल कंडेंसर की तरफ जा रहा होता है उसको रोक के वापस से कंप्रेशन में भेज दिया जाता है। सामने की तरफ आपके ये कनेक्शन देख पा रहे हैं दो, ये कंडेंसर की तरफ जाने वाले कनेक्शन हैं और यहाँ से कंडेंसर से होते हुए वापस आपका रेफ्रिजरेंट आएगा इवेपोरेटर से होता हुआ, और यहाँ पर आपका ऑयल फिल्टर लगा है। ऑयल फिल्टर इसलिए लगाया क्योंकि जो आपका ऑयल है अगर पूरे सिस्टम में घूमता भी है और वापस से अगर ये कंप्रेसर में जाने को तैयार रहता है तो उसमें कई इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी होती है, तो उसको छानने के बाद वापस से आपके कंप्रेसर सम्प में भेजा जाता है। तो एक पार्ट इसमें एक और एडिशनल ये पार्ट आपने को देखने को मिल जाता है। सामने आपका कंप्रेसर है स्क्रू टाइप का जो कि वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसकी एक साइड पर आपको पता है ये सक्शन आपका सक्शन हो गया सक्शन लाइन, और दूसरी टाइप तरफ आपका डिस्चार्ज साइड होता है जहाँ पर आपका ऑयल सेपरेटर कनेक्ट था। ऑयल सेपरेटर के बाद आगे लाइन जाती है कंडेंसर की तरफ, ये कनेक्शन आप देख पा रहे हैं ये डिस्चार्ज का कनेक्शन है आपका। तो आपको पता है कंप्रेसर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कंडेंसर की तरफ भेजना या जो स्पीड है रेफ्रिजरेशन साइकिल की उसको बढ़ाना। तो यहाँ पर आप इसका डाटा प्लेट देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो पॉज करके। उसी के साथ आपको इसमें यहाँ पर इसका पैनल है जो कि यहाँ पर कंप्रेसर को सप्लाई देगा। तो कुछ इस तरीके के इसके पार्ट्स हैं कंप्रेसर के,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं उससे आगे की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मफलर, मफलर मैंने आपको शायद पिछले एक सिस्टम में दिखाया था। मफलर क्या करता है, जो वाइब्रेशन कह लीजिए या जो पल्सेज होते हैं, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट निकलता है कंप्रेसर से, तो उसके जो रेफ्रिजरेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसको डाउन करने के लिए, नॉइस को कम करने के लिए मफलर को लगाया जाता है। ये भी कनेक्ट होगा आपके कंडेंसर के साथ और आगे जाएगा कंडेंसर कॉइल्स की तरफ। तो ये आपको सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं कुछ एडवांस सिस्टम। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका इवेपोरेटर के कनेक्शंस हैं, इनलेट आउटलेट, और ये आपका इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर सेम आपको सैलेंट ट्यूब टाइप का देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और जो एयर कूल चिलर्स होते हैं वहाँ पर इवेपोरेटर सेम ही देखने को मिलता है, सैलेंट ट्यूब टाइप का। बस जो कंडेंसर होता है वो आपको कॉइल टाइप का देखने को मिलता है एयर कूल चिलर के अंदर। तो ये आपका इवेपोरेटर हो गया, जो कि क्या करता है, हीट एक्सचेंज करता है किसके बीच में, पानी और रेफ्रिजरेंट के बीच में। और जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर ठंडी होती है वो जाता है कहाँ पर, पानी में ठंडक चली जाती है और पानी ठंडा हो जाता है। यहाँ पर आपका कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन है उससे कनेक्ट रहता है आपका इवेपोरेटर, आपको पता ही होगा। तो ये कंप्रेसर का सक्शन लाइन कनेक्ट है आपके इवेपोरेटर के साथ। तो ये तो कॉमन पार्ट हो गया आपके कंप्रेसर और आपका इवेपोरेटर। उसके बाद आता है ये आपका इकोनोमाइज़र है, यानी कि एक प्लेट हीट एक्सचेंजर। अब इसका क्या वर्क होता है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, आप जाके उसको देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इसमें आपको एक फ़िल्टर ड्रायर देखने को मिल जाता है। तो इकोनोमाइज़र का काम होता है जो कंडेंसर या से आने वाला जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, तब जब उसको ये एक्सपेंशन वाल्व से गुजारा जाता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व प्रेशर ड्रॉप करता है, उस प्रेशर ड्रॉप के साथ ही जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसमें से कुछ रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तुरंत। अब वो वेपर फॉर्म का काम इवेपोरेटर के अंदर नहीं होता है, इसलिए उसे डायरेक्ट कंप्रेसर में भेज दिया जाता है, और बाकी जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको इस इकोनोमाइज़र से होते हुए गुजारा जाता है और ठंडा किया जाता है, यानी कि उसकी जो फॉर्म है लिक्विड फॉर्म को 100% तक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजा जाता है आगे इवेपोरेटर की तरफ। तो इकोनोमाइज़र का काम आपको समझ में आ गया, फ्लैश गैस को वापस से कंप्रेसर में भेजना, रेफ्रिजरेंट के लिक्विड फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रखते हुए इवेपोरेटर में भेज देना, क्योंकि इवेपोरेटर के अंदर जितना लिक्विड रेफ्रिजरेंट ज़्यादा जाएगा वो उतना ही अच्छा हीट एक्सचेंज कर पाएगा पानी के साथ, या उतना ही ठंडा या उतनी कूलिंग कर पाएगा आपके पानी को, या आपको जहाँ पर कूलिंग चाहिए उसको। तो ये आपका माइक्रोप्लेट हीट एक्सचेंजर देखने को आपको मिला। आगे चल के अगर हो सके तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो ये आपने देख लिया, ये एक एडवांस सिस्टम है इसके इस चिलर के अंदर। साथ ही में कुछ इलेक्ट्रिकल पैनल आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी वो फुली टच है, यानी कि आप जैसे आईपैड या स्मार्टफोन को टच करके कंट्रोल करते हैं उसी तरीके से इसमें भी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपने कुछ पार्ट देख लिए, कंप्रेसर था, ऑयल सेपरेटर, ऑयल फिल्टर, मफलर, माइक्रो प्लेट हीट एक्सचेंजर, और आपका इवेपोरेटर और कंडेंसर, तो हर एक चिलर में आपको कॉमन देखने को मिल ही जाता है। तो इतने पार्ट आपने इसके अंदर देखे जो कि हर एक चिलर के अंदर नहीं देखने को मिल जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट है ये नॉर्मल चिलर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सारे जो एडवांस या ऑटोमेटिक जो सिस्टम लग रखे हैं ये इसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं सामने, तो ये फुली टच है, यानी कि आप इसको टच करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके की इसकी टच स्क्रीन और PLC इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे लगी हुई है। तो इससे रिलेटेड जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ एडवांस सिस्टम और देखने को मिले होंगे आपको। तो मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।